नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 33 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को, वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, पहला फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता था? पहला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता था उरुग्वे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाथ से गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हाथ से गैस का रासायनिक नाम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है रॉबर्ट हुक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो मानव की आंत को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कमांड डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है? तो जो कमांड डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है वो है Ctrl+D। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिसाइकिल बिन क्या है? तो रिसाइकिल बिन जो है डिलीट की गई फाइल रखने की जगह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? तो विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खननकर्ता किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खननकर्ता जो थे वो थे राखेल दास बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता किस देवता को कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता कहा जाता था इंद्र को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीस का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीस का युद्ध 326 ईस्वी में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान काल आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो अंग्रेजी शासन के दौरान काल आंदोलन का नेतृत्व किया था नारायण राव ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 ग्रहण हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक ग्रह में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
तो सेंट हेलेना जो ज्वालामुखी है वो अमेरिका में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियना ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वियना जो है ऑस्ट्रेलिया, वो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी नगर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम प्रयोग सन 1998 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले स्प्रे का परिक्रमण काल कितने मिनट का होता है? वो होता है 84 मिनट का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो है, हैजे के टीके का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है एफ बेटिंग, ऑप्शन सी है पॉल मुल्लर, ऑप्शन डी है जॉन सी साल्क। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।